देवियों और सजनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। Hey guys, welcome back to my channel. तो आज का वीडियो रोज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है, जो एक वायरल वीडियो के ऊपर है। ना जाने इतनी लॉजिकल वीडियो वायरल कैसे हो गई। तो मैं पहले बताता हूँ ये वीडियो इसने बनाई है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। And let me tell you, इस वीडियो के 1.2 मिलियन व्यूज है। भाई मैं सच बता रहा हूँ, जब मैंने पहली बार इसकी वीडियो देखी थी ना, मेरे मन में दो ही थॉट आए थे। पहला, ये तो टट्टी है, और ये दूसरा, मैं माता चूलू जो इसमें आया। खैर, जो भी इसके व्यूज वगैरह की बातें हैं उनसे साइड रखे, मैं बस एक ही बात बोलना चाहूंगा यार। भाई मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए यार। अरे भाई, भारी समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। और जो लोग फिर भी ऐसा करते हैं उन्हें भी एक बात कहना चाहूंगा, मेरे पेज पे गालियां दी ना, मैं तुम्हारी मां छोड़ डालूंगा, मां के लड़ो। तो आओ यार, पहले चेक करते हैं कि दिव्यांगना त्रिवेदी है कौन। इसकी वीडियो इतनी ज्यादा वायरल जा रही है, उसके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। तो चलो इसकी बायो चेक करते हैं। सॉरी मुझे लैंग्वेज नहीं आती। लीगल, ऑथर, टाइकोंडो, एम, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है मैडम। अच्छा, वेपन्स UFC एंड लॉ। आई ब्रेक बोन्स नॉट हार्ट्स। ब्रॉक लेसनर एंड मी, वी हैव एग्रेशन इन कॉमन। तो इन मैडम की वीडियो बेस्ड है कुछ स्पेसिफिक हैशटैग्स पे। हैशटैग फेमिनिज्मो, एंटी फेमिनिस्ट, न्यू वीडियो, इक्वालिटी, बिहेवियर योरसेल्फ, और ये जितने भी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हैशटैग जस्टिस फॉर मानव सिंह, बॉयज लॉकर रूम, गर्ल्स लॉकर रूम। तो मतलब इसकी वीडियो बॉयज लॉकर रूम और गर्ल्स लॉकर रूम के ऊपर है, लेकिन इसके अंदर एक चीज है यार, ये फिटनेस मोड क्या होगी बॉयज लॉकर रूम, गर्ल्स लॉकर रूम। खैर चलो, लिख दिया होगा फिटनेस मॉडल होगी शायद। लेकिन एक और बात यार, इसने फेमिनिज्म लिख रखा है। फेमिनिज्म तो नाउन होता है जो फेमिनिज्म के लिए होता है, और इसने एंटी फेमिनिज्म भी लिख रखा है। तो ये बोल किसके लिए रही है? मैं जो मैं नहीं खेल रहा, डायरेक्टर चूतिया यार ये। Wait a minute. You guys, Divyangna Trivedi this side, and today I'm here with this video which might trigger a lot of people, but it's not to offend anybody. Achcha, lekin iska comment section to kuch aur hi bata raha hai, kafi logo ko offend kar diya hai isne. My intention is peace. Lekin peace ka symbol to ye hota hai na. Chalo. Aur ha, main is video ke bare mein do saal se soch rahi thi. Do saal se sochi thi is topic ke bare mein. Dekh rahe ho kitni zyada ambitious hai bhai. Isi to kehte hai zindagi jeena, warna zinda to jhaant ke baal bhi hai. Because ये मेरी इस पर बुक भी आ रही है, so I'm advertising it side by side. Oh my God! Wow! I was thinking about this video since 2 years, लेकिन मेरे पास फोन नहीं था और अभी भी नहीं है. But पापा का फोन आज मुझे थोड़े से थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए मिल गया, so then I thought I'd talk about this today. देख रहे हो भाई, पापा से फोन ले रही है, बेचारी कितनी मेहनत कर रही है, कभी कभी फोन मिलता है, उसके अंदर इसने ऐसी वीडियो बनाई जो वायरल हो गई। लेकिन एक मिनट यार, मैं कुछ केस स्टडी कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग तो वो ये कह रहे हैं कि जितने टूथब्रश नहीं है एशिया में उससे ज़्यादा मोबाइल फोन से। चलो कोई बात नहीं, इसके पास भी नहीं होगा बेचारी के पास मोबाइल फोन, टूथब्रश होगा इस पर, कोई दिक्कत नहीं है। यार ये तो बोल रही थी किसी पास फोन नहीं है, ये तो हर घंटे स्टोरी पे स्टोरी डाले जा रही है। अगर मेरे पे भरोसा नहीं तो स्क्रीन शॉट देख लो। और स्क्रीनशॉट नहीं तो आईजी की इसकी आईडी देख लो इंस्टाग्राम पे, ये धड़ा धड़ धड़ा धड़ हर घंटे स्टोरी डाल रही है। भाई ये सारी बातें देख के पता है मेरे मन में बस एक ही बात आती है, अब तो सब बोल दे भोसड़ी के। एंड ऑपोजिशन इज ऑलवेज वेलकम, आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन, सो आई विल एक्सेप्ट व्हाटएवर यू विल से इफ इट मेक्स सेंस। शी इज सब्जेक्ट टू करेक्शन, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। टुडे आई वांट टू टॉक टू ऑल ऑफ दोस हु प्रोपगेट दिस एजेंडा ऑफ फेमिनिज्म, ओके, एंड नॉट ओनली टू देम बट टू एवरीवन हु नोस दिस कांसेप्ट। मुझे बताएं। आई एम अगेंस्ट फेमिनिज्म। हाँ जी, ध्यान से देख लीजिए मेरा चेहरा। ओके, ध्यान से देख लेता हूँ। ध्यान से देखिए ये चेहरा, ये फेमिनिज्म के अगेंस्ट है लड़की होकर। I'll just tell you why. Why? अगर आपका ये कॉन्सेप्ट लॉजिकल होता, अगर ये वही होता जो आप दिखाते हैं, अगर जो आप पेपर पे लिखते हैं, तो मैं मान लेती हूँ, पर ये वैसा है नहीं। तो कैसा कॉन्सेप्ट है, रुको गूगल पे देखता हूँ। ये तो बता रहे हैं इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस बता रहे हैं ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हर एक को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, ऐसा कह रहा है गूगल। तो खैर ये लॉ कर रही है, CJI बनना है इसे। भाई इसे नॉलेज नहीं होगी क्या हुआ, इसे पूछ लेता हूँ यार क्या कह रही है ये। रुको तो सही, नाउ योर फेमिनिज्म इज जस्ट अबाउट डिमीनिंग मेन, जस्ट अबाउट यू नो सुप्रीमेसी ऑफ वुमेन ओवर मेन, वुमेन ओवर मेन, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल मैडम। ये तो लेकिन मिसएंड्री होता है, रुको गूगल पे चेक करता हूँ। मतलब अगर ये सही बोल रही है, इसका मतलब गूगल हमारा चूतिया बना रहा है।
अबे नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। बचपन से देख रहा हूँ भाई, गूगल सही बोलता है। इसका इसने पढ़ाई पूरी नहीं करी है। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे गांव में चनू ने काट रहे हैं। If you were talking about equality, लेकिन आपका तो word ही feminism है, feminine, men तो आए। कोई sense है इस बात? हमें बहुत लग रही थी उस time। भाई 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 दो और बनाए, मैंने दो और देख लेना, बड़े मजेदार बनाए, दो और देखना। Feminine, men तो आए। ये क्या बात खड़ा बना रखा तूने? हैं? तुम मतलब थोड़े ही है? एक और, बहुत बढ़िया। Feminine, men तो आए। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। ये शब्द फेमिनिज्म के नारे लगाना बंद कर दो, ह्यूमनिज्म प्रोपगेट करो। पर दीदी, ह्यूमन में भी तो मैन आता है, फीमेल में मेल आता है, वुमन में मैन आता है, वुमेन में भी मैन आता है। तो यार कल को तो ऐसे बहुत सारी लड़की हमारे पीछे पड़ जाएंगी, ये बोलेंगी कि लड़कों ने तो हर जगह अपने नाम घुसा रखा है, हर जगह अपना जेंडर यूज कर रहे हैं। खैर चलो आगे देखते हैं दीदी की सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या है। तो आपका इक्वालिटी का जो पिलर, जो आपका स्तंभ था मेन, वो तोड़ गया यार। क्या 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 था है? जो आपका स्तंभ था मेन, वो तोड़ गया यार। और आपका कॉन्सेप्ट भी ऐसा नहीं है पता है। मतलब I have read जो आपके प्रिंसिपल्स में, पर उसका मतलब एक भी चीज यू आर नॉट फॉलोइंग। व्हाट यू आर फॉलोइंग इज दैट हां, हम डोमिनेट कैसे करें आदमियों को, दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट। हां हां दीदी, दैट इज एक्चुअली नॉट द कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फेमिनिज्म। लेकिन तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। अबे हटो बोतल की बात। प्लीज यार, मतलब ये बोलना तो बंद कर दो, रिस्पेक्ट टू वुमेन। व्हाई? Just because you're a woman, how would you get respect just because you're of a particular gender? चलो जी, मतलब दीदी कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन नहीं होना चाहिए, सबको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो क्यों ना दीदी कुछ फैक्ट चेक कर ली जाए। दीदी ने स्टोरी डाली थी भाई, स्टोरी बहुत धड़ल्ले से डालनी है, देख लेते हैं क्या डाल रही है। तो दीदी ने ये स्टोरी अपलोड करी और इसके थ्रू उन्होंने सब लड़कों को जनरलाइज कर दिया कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली अट्रैक्टिव चीज़ों की तरफ भागते हैं। और यहाँ पे इससे पहले वाली स्टेटमेंट में कहती कि सबको रिस्पेक्ट करो, तो ये कैसी रिस्पेक्ट है दीदी? और जो इन्हें फॉलो करते हैं वो इन्हें बहन मान रहे हैं, इनकी अपनी इमेज साफ, बाकियों की गंदी। वाह दीदी वाह। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना होता दैट यू आर अपलिफ्टिंग दोज हु आर नॉट एबल टू वॉइस देयर ओपिनियन एंड देयर नॉट एबल टू वॉइस देयर प्रॉब्लम और देयर मोलेस्टेड एंड सप्रेस्ड, आई वुड हैव टेकन दिस कॉन्सेप्ट अंडर दिस रूब्रिक। मैं कुछ बोलती भी नहीं, पता आई वुड हैव बीन विद यू। इन फैक्ट मैं भी बोलती मैं फेमिनिस्ट हूं, बट मैं नहीं हूं। क्योंकि इसे वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, फॉर योर काइंड नॉलेज। और यार ये बार बार तुम क्या कर रही है, किसे कर रही है, मुझे कर रही है, किसे कर रही है? अरे दादी जरा इसे बताना क्या कह रही है ये। किसे कह रहा? भोसड़ी का जहाँ का लिख रहा यही ठोस दूंगी जितने हैं तुम सारे का सारे। क्योंकि तुम लोगों ने इसे इतना डर्टी गेम बना दिया दैट यू पीपल हैव क्रिएटेड द सोशल डिफरेंस एंड दैट सोशल डिफरेंस इज नाउ बिकम अ सोशल डिविजन। अब फिर से तुम लोग, भैया कौन है तुम लोग? मैं हूँ ना, मैं ना हूँ भैया, मैं ना हूँ। तुम लोगों में दो वीडियो निकाली थी मैंने बिल्कुल क्लियर आइडिया के साथ, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसमें बेसिक किसका फर्क भी नहीं चाहता था मैं। ना ना, तो ये किसे बोल लिया? आप लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। अगर किसी ने एक लड़की को ये बता दिया दैट योर बेस्ट इज आउट, सो दैट गर्ल विल नॉट रिस्पॉन्ड थैंक यू, आई विल पुट इट इन, शी विल से तुम भी पहन लो, तुम्हारी भी दिखेगी। हद है भाई, मतलब तुम्हें कोई नॉर्मली भी नहीं बता सकता कि मतलब यू नो देयर इज समथिंग रॉन्ग। चलो जी फाइनली कुछ वैलिड पॉइंट। अरे भाई यहाँ तो मतलब कुछ तो बोलने दो ना, वरना तुम मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे भी गाली बकोगे कि बिल्कुल ही अगेंस्ट हो गया। कुछ तो लड़की सही भी बोल रही है यार। डोंट जस्ट से थिंग्स बिकॉज वो कूल है। ये मीम बिल्कुल भी कूल नहीं है जिसने भी बनाया था, ठीक है? ये जो मैंने अभी पीछे रेफर किया। सो या जस्ट बी मॉडरेट, बी नॉर्मल, रिस्पेक्ट ईच अदर। अगर तुम उनसे रिस्पेक्ट चाहते हो तुम्हें भी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू नो। एक पता नहीं आई फील व्हाट यू राइट टाइप का कुछ पेज था। आई रियली अप्रिशिएट व्हाट ही रोट बिकॉज़ उसने बहुत नॉर्मल। अरे दीदी वो आई राइट व्हाट यू फील है, आई फील व्हाट यू राइट नहीं। और आ जाओ जितने भी मेरे भाई हैं, सुना तो तुम्हें उसकी अच्छी बात है। द बॉयज लॉकर रूम ग्रुप, उम्र 16, 17, 18, 19, काम लड़कियों के साथ रेप करने की तैयारी करना ग्रुप्स बना के Instagram पर, Snapchat पर। अभी जो मैंने तुम्हें वीडियो सुनाई ना, ये उसी आई राइट व्हाट यू फील वाले पेज की है। अब इसने इस वीडियो को तो जिक्र करा नहीं है, या फिर इस लड़की ने वीडियो देखी नहीं है, क्योंकि ये जिक्र इसलिए नहीं करेगी अगर ये अपनी वीडियो को सपोर्ट कर रही है तो, क्योंकि उस वक्त इसके अगेंस्ट हो जाएगी। खैर रुक जाओ, थोड़ा और सुना देता हूँ मैं इसके बारे में। ये जो आई राइट व्हाट यू फील वाला है क्या बोल रहा है? तुम जैसे गंदी नाली के कीड़ों की वजह से आज इस देश की हालत ये हो गई है कि कोई लड़की घर के बाहर क्या, घर के अंदर भी सेफ नहीं। अब दीदी ऐसे को फॉलो करोगी तो एक तरफा या दिखावटी या फिर सिर्फ और सिर्फ अटेंशन सीक करने वाले होंगे ना आपके पॉइंट्स तो।
अरे अरे अरे, इन्हें तो सीजीआई भी बनना है, और अगर ऐसे लोग सीजीआई बन गए तब तो देश संकट में है। और साफ सीधी बात है, जितने भी ऐसे लोग हैं ना जो सिर्फ एक तरफा बातें करते हैं या फिर हॉट टॉपिक आते हैं उसके ऊपर मुद्दा बना देते हैं बिना रुके बिना सोचे समझे, तो सब लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं तुम्हें, दुनिया मादरचोद थी, मादरचोद है, मादरचोद रहेगी। एंड और क्या बोलना था मुझे, वन सेकंड, सो या आई एम थिंकिंग, मैं और क्या बोलने वाली थी, भूल गई, इन सच अ फ्लैश, सो ओह माय गॉड, आई फॉरगेट इट। वाह बहिंच, दीदी भूल भी गई कि बोलना क्या है, जिस टॉपिक को 2 साल से लेकर पागल है दीदी, सोच रही है, उसके ऊपर किताबें लिख रही हैं, हैशटैग में यूज़ कर रही हैं अपनी वीडियो का टॉपिक उसके ऊपर उठा लिया, 8 मिनट की वीडियो बना दी उसके ऊपर, वो टॉपिक ही भूल गई बीच में, यार शाबाशी। और जब इतना बड़ा मुद्दा उनके सामने आया, बॉयज लॉ करूँ गर्ल्स लॉ करूँ मानव सिंह जैसा, तो उनके पास वो बात ही नहीं है, चलो माफ किया। 2000 years later Yeah, and yeah, the case, Manav Singh case. Many of you might say that, you know, इससे पहले बहुत cases हुए हैं, Nirbhaya case and this and that case. You know, you should talk about that also. You'll tell me that in return. In feminist, that's the only comeback you have. अरे 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 अरे, कोई मुद्दा ही नहीं है उसके लिए बताने का, कोई बात ही नहीं की, topic ही नहीं छेड़ा, no discussion. बस उसका mention करके छोड़ के चली गई। भाई इतना अगर हल्का टॉपिक है ना मानव सिंह का, तो यार मत ही बोला करो ऐसे टॉपिक्स में तुम लोग, अगर तुम सिर्फ उस पर टेंशन ग्रैब करने आते हो, वो लड़का 11 मंजिल से कूद के मारा था, बस इतना सोच के आदमी की रूह कांप जाती है, और तुम उसके ऊपर पहले हंस रहे हो कि मैं भूल गई टॉपिक बता रहे हो, सिर्फ मेंशन करके छोड़ रहे हो। और दूसरी बात, निर्भया केस ना रेयर शब्द रेयर केस था पूरे इंडिया का, जिसके लिए पूरा देश एकजुट हुआ था, तुम उसे कहते हो कि वो कमबैक है, अरे शर्म करो यार तुम अपने पे। और तुम जैसे लोग सिर्फ टेंशन के लिए यहाँ पे आ जाओ ना, तो तुम्हें बस एक ही बात बोलूंगा, निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। और फिर इन दीदी ने एक स्टोरी पोस्ट करी जो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल ही बेहद एक अटेंशन सीकिंग स्टोरी है, और उसके ऊपर इन्होंने कैप्शन लिखा ये, और जब तुम्हारी वीडियो हिट हो गई तो तुम्हें तो अब स्टोरी पे आके बोलना ही पड़ेगा कि काश मैं ऐसा करती, काश मैं वैसा करती। अरे तुम्हारी जो स्टोरी से और वीडियो से पता चल रहा था कि तुमने कितना बोला है उसके बारे में, जो मेन मुद्दा है तुमने वही खत्म कर दिया, वो तुम्हारा स्तंभ था वही उड़ा दिया तुमने, वाह। और मुझे इसे देख के लगता है यार बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादरचोद के बच्चे। I'll tell you one thing now. You know there are many males who are also molested. The cases just don't come up. आप उन्हें तो voice नहीं करते, अब मैं बोलूँ? नहीं। ना ना ना, तू तो मत ही बोल। गलती हम लड़कों की है, क्योंकि हम लड़कों ही मासूम है, क्योंकि इस दुनिया ने ना हमारी इतनी ले लिया क्या 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 क्या, कि अगर तुम जैसे 4 लोग जो फर्जी भी हो ना, और सामने आके बोल दे दो फलाना ढिमकाना लड़कों के लिए, तो बेचारे तुम्हारे को मसीहा बना लेते हैं बिना तुम्हारे बारे में कुछ भी फैक्ट्स जाने में ना। मतलब ये कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना कि बिकॉज यू आर माइनॉरिटी, मतलब दैट मीन्स यू डोंट एग्जिस्ट। और अगर आप कहते हो कि हम वुमेन, यू नो वी आर इन माइनॉरिटी, सो दैट आल्सो डज नॉट गिव यू द राइट टू हैव मेजॉरिटी, लाइक पावर ओवर मेजॉरिटी। And I'll make sure when once I'm done with law after 5 years. पैसा बर्बाद पहन। Please don't use this everywhere. That just because I'm a female, you can't do this. Just because I'm a female, you have to respect me. Just because I'm a female, blah blah blah. Ba ba boom pow. Don't do that, please. That doesn't make sense to any of us. It is very nonsensical according to me, and also according to a lot of sensible people. So, but yeah, the main topic right now was. क्या था? यार अपनी माँ मत चोदाओ, हम कहते हैं अपनी माँ मत चोदाओ। कंट्रोल, माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। I would have not even written a book यार, मैं इतना एफर्ट क्यों डालती अगर ये गलत नहीं होता तो। ओ भाई, मारो मुझे मारो। नहीं ये मजाक हो। मुझे तो ये लग रहा है कि अब भी इसकी कौन बुक खरीद सकता है, इतना सब कुछ सुनने के बाद, इतना सब कुछ समझने के बाद। भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। अब भाई एक और चीज दिखाता हूँ, इस लड़की की पहले की स्टेटमेंट और अब की स्टेटमेंट दिखाता हूँ तुम्हारे को। I will stick to my words. Thank you. And opposition is always welcome. I'm subject to correction, so I'll accept whatever you'll say if it makes sense. I will stick to my words. Thank you. अब एक चीज बताओ, अगर ये लड़की सब्जेक्ट टू करेक्शन है और ये अपनी बातों से भी नहीं हट रही है, तो करेक्शन कैसे होगा? हिपोक्रेसी की भी सीमा। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, सब्सक्राइब करना यूट्यूब पे। और भाई अच्छी लगने का भी जो शेयर ना करे तो कंड मंड का टोला, जो ना करे सब्सक्राइब और शेयर उसकी बहन का।